नमस्कार, मैं हूं दिवांशलि मोइत्रा। गलवान घाटी में विवाद जारी और दुनिया चीन को इस गलती के लिए खरी खोटी सुना रही है और भारत का समर्थन कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने कहा है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामकता का प्रदर्शन कर रही है और उसने भारत में घुसपैठ की। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के एक दर्जन से अधिक सांसदों ने चीनी आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठाई और वो भारत के समर्थन में उतर आए। सेनेटर टॉम कॉटन ने सेनेट में गुरुवार को कहा कि चीन अपने चारों ओर आक्रामक कदम बढ़ा रहा है, उसने भारत में वास्तव में घुसपैठ की और 20 भारतीय जवानों को मार दिया। रिपब्लिकन पार्टी के नेता कॉटन ने कहा कि चीन ने दक्षिण चीन सागर पर हमला किया, वियतनाम, मलेशिया और फिलिपीन को धमकी दे रहा है। इसके साथ ही साथ चीन ताइवान और जापानी हवाई क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश कर रहा है। हांगकांग में हाल में लागू हुए सुरक्षा कानून ने स्पष्ट कर दिया कि सीपीसी ना तो अपने लोगों और ना ही अन्य देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगी। कॉटन ने चीन पर अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य के प्रति प्रतिबद्धताएं पूरी न करने का आरोप लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि चीन की हर जगह थू थू हो रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या चीन सुधरता है या ऐसे ही चलता रहता है।